है वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। आपका भाई एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो चुका है। आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी हाइट को लेके हमें कोई ऐसा वीडियो दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी एज के हिसाब से हमारी हाइट बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी और हमारी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही। तो आपकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर से ये वीडियो मैं आपको शुरू से लेके लास्ट तक पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आपकी एज कितनी है, अगर आपकी एज 18 है, 20 है, 22 है, 25 है, 26 है, जितनी भी एज है, आप अपनी एज के हिसाब से आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है और आप अपनी रुकी हुई हाइट को अपनी एज के हिसाब से कैसे बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर लास्ट तक देना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज तक शायद पूरी शायद हिस्ट्री में यूट्यूब पे किसी ने भी एक साथ में पूरे एज को लेके वीडियो कवर नहीं किया होगा। मैंने ध्यान रखना इस वीडियो के अंदर तीन कैटेगरी में एज को लेकर पूरी हाइट बताई, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। इन तीनों कैटेगरी में पूरी एज को कवर किया हुआ है कि आपकी हाइट किस हद तक बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ रही और आपकी हाइट को कैसे आप बढ़ा सकते हो। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल का जो रेड कलर का प्रेस करके बटन सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का आइकन है उसे भी ऑल की नोटिफिकेशन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे याद रखना, लेकिन आपको तीन कैटेगरी को ध्यान से समझना होगा। लेकिन दोस्तों आपको इन सही बातों को अगर ध्यान से फॉलो कर सको तो ही वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हाइट हमारे लेके आज हमारी हाइट अच्छी होती तो हमारी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग शामिल होते हैं जिन लोगों की एज 14 से लेके 18 है। 14 से लेके 18 तक की एज तक के लोग इस कैटेगरी को ध्यान से समझना, क्योंकि आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही और आप अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हो मैं आपको इस कैटेगरी में बताने वाला हूँ। जो 14 से लेकर 18 तक की कैटेगरी के जो भी लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा अपनी हाइट को लेकर परेशान हो जाते हैं और कुछ भी यूज़ करने लगते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी एज इस तरह से होती है क्योंकि आपकी इन जो एज होती है इन दौरान आपके शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो HGH होता है, जो हाइट बढ़ाने के लिए जो हार्मोन बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, ये आपका नेचुरली रूप से ऑटोमेटिकली ग्रो होता रहता है। लेकिन आप कुछ भी आप चिंता करने लगते हो कि अपनी हाइट को लेकर कि मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, तो आप उस ह्यूमन ग्रोथ को रोक देते हो। कैसे रोक देते हो? आप किसी भी तरह की मेडिसिन का सहायता लेने लगते हो, स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज करने लगते हो। आपको ये सब नहीं करना चाहिए, ये बस इतना ध्यान रखें कि आपका वेट ज़्यादा ना हो, इससे आप नेचुरली तरीके से अपनी हाइट को ग्रो होना चाहिए, खास करके फर्स्ट कैटेगरी वाले जैसे 14 से 18। तो ध्यान रखिए आपको किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करनी है सीधे सीधे बात में, और आपको नेचुरली रूप से अपनी हाइट को ग्रो होने देना है। अब आते हैं सेकेंड कैटेगरी पर। सेकेंड कैटेगरी में लोग शामिल होते हैं 18 से लेके 20, क्योंकि ये जो एज होती है इसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं लोग। क्या सोचते हैं मेरी 18 से एज तो ऊपर होगी, अब मेरी हाइट बढ़ेगी भी कि नहीं बढ़ेगी, अगर मेरी हाइट नहीं बढ़ी तो मैं अपने सपने को कैसे अचीव कर पाऊँगा। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए, अगर आप अपने माइंड में जिस तरह का सोच लेते हो तो आपकी बॉडी में उसी तरह के हार्मोन रिलीज होते हो और आपको उसी तरह का रिएक्ट देखने को आपकी बॉडी देती है। आपको जो 18 से 20 साल तक की एज के लोग हैं खास करके ध्यान रखें, अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो ऐसा ना समझे कि आपकी हाइट रुकी गई है। बस इतना क्या होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो लेवल होता है वो जो तेज़ी से वृद्धि होती है वो रुक जाता है, मतलब बिल्कुल नहीं ख़त्म हो जाता, वो धीरे धीरे उसकी गति कम होती है। अगर आपको वो क्यों कम होती है, आप अपनी डाइट पर नहीं ध्यान देते हो, आप अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देते हो। 18 से 20 तक के लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज, और डाइट को खास करके ध्यान रखें। आप बाहर के जंक फूड का सेवन ना करें 18 से 20 तक के लोग। अगर आपने डाइट पे अच्छी तरह से न्यूट्रिशन जैसे कि विटामिन ए मिले, बी मिले, सी और डी ई, ये सब विटामिन जैसे ग्रीन वेजिटेबल पर डिपेंड रहिए ज़्यादातर हो, तो आप नॉन वेजिटेबल का भी सहायता ले सकते हैं, जिससे आपकी हाइट अच्छी तरह से बेनिफिट होकर आपकी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में वृद्धि हो और आपकी हाइट अच्छे लेवल तक इंक्रीज हो सके। और अब आते हैं हम थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी में खास कर ध्यान देना, ये कैटेगरी के लोग अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं। क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ये पहले अपनी हाइट पे ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं हाइट बढ़ा के होगा भी क्या, मतलब फिर उनको बाद में समझ में आता है कि हमारी पर्सनालिटी पे और हमें जो सोसाइटी में वैल्यू मिलनी चाहिए वो तो हमें वैल्यू मिल ही नहीं रही है हमारी हाइट को लेकर के। इसलिए खास करके जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं पहले से ही ध्यान दीजिए कि आपकी हाइट को आप अपनी अच्छी तरह से बढ़ा सके। थर्ड कैटेगरी में शामिल होते हैं हमारे 20 से 25 तक के लोग, जिन लोगों की उम्र 20 से 25 है और उन लोगों की हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप इस कैटेगरी को ध्यान से समझिए कि आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, मैं आपको इसमें बताऊंगा और आप अपनी रुकी हुई हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए जानते हैं 20 से 25 तक के लोग ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं अपनी हाइट को कैसे बढ़ाएं। अगर आप अपने मन में ज़्यादा सोचो कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही तो आपके
जो माइंड में से वीक हार्मोन मेलेटिन नाम का हार्मोन होगा वो रिलीज होगा, जिसके कारण से आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे असर पड़ेगा और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की वृद्धि कमी हो जाएगी, जिससे आपकी हाइट पूरी तरह से रुक जाएगी, धीरे धीरे बिल्कुल बढ़ना आपकी हाइट पूरी तरह से बंद हो जाएगी, इसलिए आप ज़्यादा ना सोचें। थर्ड, आपको क्या करना होगा थर्ड कैटेगरी में, डाइट पे तो ध्यान देना ही है प्लस एक्सरसाइज पे। और अब मैं बताऊंगा जो 20 से 25 तक के लोग की हाइट क्यों नहीं बढ़ती, वो तंबाकू का सेवन करते हैं। जो विषैले पदार्थों जैसे कि तंबाकू का, शराब का, ये सब का सेवन करते हैं, जिसके कारण से उनकी हाइट पूरी तरह से रुक जाती है। याद रखें, अगर आप अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं तो आप अपने इन सभी पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, ये आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को पूरी तरह से रोक देता है, जिससे आपकी हाइट भी रुक जाती है। जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के जो भी लोग आते हैं, वो अपनी हाइट को वाकई में अगर इंक्रीज करना चाहते हो, तो मैं आपको इस चैनल के ऊपर पूरा वीडियो दिया हुआ है कि आपको ऐसी कौन सी ड्रिंक का फॉलो करना चाहिए, और मैं दावा करता हूँ उस वीडियो के अंदर भी और इस वीडियो के अंदर भी, अगर आपने जो 20 से लेके 25 तक, 18 के बाद 25 तक जितने भी उम्र के लोग हैं, उस ड्रिंक का अगर सेवन करते हो, तो डेफिनेटली आपकी हाइट 2 मंथ के अंदर अंदर आपकी हाइट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं दावा ये नहीं करता, लोग कहते हैं कि 7 दिन में हाइट बढ़ जाएगी, 2 दिन में हाइट बढ़ जाएगी, भाई ऐसा नहीं हो सकता। अपना शरीर को रबड़ ने जो खींच दिया तो लंबी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई, उसको आपको नेचुरली रूप से ग्रो करना होता है। तो आपको एक्सरसाइज को ध्यान देना होगा और आपको कौन सी ड्रिंक का फॉलो करना होगा, लिंक में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप एक्सरसाइज का वीडियो देख सकते हो और ऐसी मैंने कौन सी ड्रिंक बताई उस वीडियो को भी जाके पूरी जानकारी उस वीडियो में आप ले सकते हो। तो अगर आपको वीडियो की जानकारी दोस्तों अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इसी तरह अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए हमारे फैमिली का हिस्सा जरूर बने। आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।